सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएम नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज के सेक्शन में हम लोग कवर करने वाले हैं कि यहाँ पर एक मैथमेटिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, मीन्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति क्या होता है, तो उसका डिफिनेशन देखिएगा। तो त्रिकोणमिति को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ऐसा विषय जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं एवं तीनों अंतःकोणों का स्टडी किया जाता है, वो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। और बहुत सिंपल सा इसमें इसका डिफिनेशंस होता है। और देखिए, त्रिकोणमिति में क्या क्या प्रोसेस होता है, न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज यूज होता है, इन सब का हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक्स पे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं और उसमें देखते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया और इसका नाम हमने दे दिया ए बी और सी। और देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका जो एक कोण होता है यहाँ पे ए 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और इस समकोण त्रिभुज जो ए बी है, ए बी को हम लोग कहते हैं आधार, आधार को कैपिटल ए से लिखा जाता है, और बी सी को हम लोग कहेंगे लंब, लंब, और लंब को एल से लिखा जाता है, और ए सी को जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कहते हैं कड़, कड़, और इसको के से लिखा जाता है। तो देखिए, इसमें एक तीन भुजा है, भुजा ए बी है, भुजा बी सी है और ए सी है या सी ए है, और इसमें तीन कोण हैं, कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। और इन्हीं तीनों भुजाओं का और तीनों कोणों का हम लोग स्टडी करेंगे और साथ साथ में न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो देखिए, कुछ जनरल बेसिक फार्मूला है इसका त्रिकोणमिति का। जैसे एक इसका ट्रिक होता है, उसको याद लिखिएगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे के कक्का। तो लाल बटे कक्का का यूज करके हम लोग कुछ फार्मूला बनाते हैं। जैसे इसमें छह फलन होते हैं, कौन कौन होते हैं, पहला पहला जो है वो होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, यल मिस होता है लम और के मिस का होता है कर। तो साइन थीटा को लिखेंगे यल बाई के, अथवा इसी को लिखेंगे लंब अपान कड़, ठीक। सेकेंड फार्मूला देखिए क्या है, साइन के बाद आता कॉस, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये सेकेंड वाला लेकर चलिए तो ये हो जाएगा आधार बटे कड़, और इसको हम लिख सकते हैं आधार बटे कड़। थर्ड जो फार्मूला है वो होता है टैन का, और इसको लिखेंगे टैन थीटा इक्वल टू, टैन के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो इसको लिखेंगे एल अपान ए, एल अपान ए मतलब क्या होगा, लंब अपान आधार, ठीक है। उसके बाद आता कॉट थीटा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फार्मूला देखिए कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए, ये जो टैन आया ना, इसका हम अपोजिट करते जाएंगे तो एक कॉट का मिल जाएगा, टैन का अपोजिट करेंगे तो कॉट का मिलेगा, और फिफ्थ जो फार्मूला होता है वो होता है सेक का, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, अब इसका कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक का मिल जाएगा, एंड लास्ट होता है वो होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा को कैसे फाइंड करेंगे, साइन का अपोजिट करेंगे तो कॉसेक थीटा मिल जाएगा। और ये जानिए कि जो त्रिग्नोमेट्री है, इसके फादर रैनी दिकार्ते हैं, ठीक है, एक गणितज्ञ हैं रैनी दिकार्ते, और वही इस त्रिकोणमिति को बनाए थे, उन्होंने सबसे पहले उसका स्टडी किया था। तो देखिए, हम लोग फाइंड करते हैं कॉट थीटा का, तो क्या हमने बोला है कि टेन का उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब देखिए एल अपान ए है, ए अपान एल करेंगे, ए अपान एल, और ए अपान एल, ए मिस क्या हो जाएगा आधार, और एल मिस क्या हो जाएगा लंब, तो एक कॉट का बन गया। अच्छा, हम लोग फाइंड करते हैं सेक थीटा का, तो कॉस का उल्टा करना है, ए अपान के है, के अपान ए हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे के अपान ए, के मिस क्या होगा कड़, और ए मिस क्या होगा आधार। एंड लास्ट जो फार्मूला है वो किसका है, और देख रहे हैं कॉसेक थीटा हमको फाइंड करना है, तो ए साइन का उल्टा होगा, एल अपान के क्या हो जाएगा, एक के अपान एल हो जाएगा, और के मिस क्या होगा कड़ होगा, और एल मिस क्या होगा लंब होगा, ठीक है।
तो छह फलन है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार एंड कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, और सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब, ठीक है। और साथ साथ में देखिए ये इसी फार्मूले पे हम लोग जस्ट अभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और इस न्यूमेरिकल को करने के लिए एक चीज़ और फार्मूला देखिए वो क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय की बहुत बड़ी भूमिका है, और उसका फार्मूला क्या होता है कि इसका होता है कर्ण का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर मतलब एबी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर। और देखिएगा एसी मतलब क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आधार का स्क्वायर मतलब हो जाएगा एबी एंड बीसी मतलब होता है लंब का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इस फार्मूला का भी स्टडी इसमें करेंगे तभी न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल का स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए न्यूमेरिकल नंबर वन है, न्यूमेरिकल नंबर वन में कह रहा है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू अंडर बाई अंडर रूट टू हो तो कोसेक थीटा का मान कितना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए हम लोग स्टडी किसका कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का। तो सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया और इसका नाम हमने दे दिया ए बी और सी, और देखिएगा ध्यान से कि इसमें जो कोण बी होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। और एक ट्रिक आप लोगों को बताया गया था, छोटा सा ट्रिक, कि लाल बटे कक्का, ठीक, उस ट्रिक को यहाँ पर लिख लेते हैं लाल बटे कक्का, और इसी ट्रिक की मदद से हम लोग इसमें फाइंड करेंगे कोसेक थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए यदि सेक थीटा का मान कितना दिया है, इसका सॉल्यूशंस करते हैं। सेक थीटा का मान दिया आपके पास, सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट टू दिया है, तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो देखिए साइन कॉस टेन और उसके कॉट होता है फिर सेक होता है, तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक के लिए हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो सेक थीटा इक्वल टू यदि दिया अंडर रूट और इसका मान कितना हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण अपान आधार, और आधार को बस ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, इक्वल टू अंडर रूट टू दिया है तो इसको अंडर रूट टू बाई वन लिख सकते हैं, इम्प्लाइज डेट यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण का मान, और कर्ण को देखिए हमेशा ए सी से लिखा जाता है, तो यदि ए सी का मान है आपके पास अंडर रूट टू और आधार को ए बी से लिखेंगे तो यहाँ पे ए बी का मान आ गया आपके पास वन। अच्छा देखिए अब तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, बी सी सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। यहाँ पे ए सी कर्ण है, ए बी आधार है और बी सी क्या लंब है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, ए सी का मान है अंडर रूट टू, अंडर रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मान देखिए वन, वन का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब बी सी हमको फाइंड करना है इसमें से। तो बी सी कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पे अंडर रूट टू का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट टू का स्क्वायर कितना होगा तो फोर होगा, और फोर का वर्गमूल कितना होता है टू होता है, तो हो जाएगा टू इक्वल टू वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं वन को इधर भेज देते हैं, तो देखिए टू में से जब वन घटाएंगे कितना हो जाएगा वन इक्वल टू हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब देखिए जब स्क्वायर हटाएंगे तो वन का वर्गमूल हो जाएगा, तो यहाँ से हमने बी सी का मान फाइंड कर लिया कितना वन, ठीक। तो यहाँ पे हम मान भी रख देते हैं, देखिए BC का मान कितना है वन, AB का मान भी कितना है यहाँ पे देखिए वन है, एंड AC का मान कितना है अंडर रूट टू है, अंडर रूट टू इसका मान रख दिया हमने। हमको फाइंड क्या करना है, कोसेक थीटा फाइंड करना है। तो देखिए कोसेक थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए कोसेक के लिए क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो लिखेंगे कर्ण बटे लंब, एंड कोसेक थीटा का मान हमको फाइंड करना है तो इसलिए हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण का मान, देखिए क्वेश्चन में आ गया कितना अंडर रूट टू, तो ये अंडर रूट टू अपन लंब का मान कितना हमने फाइंड कर लिया वन, तो वन जनरली लिखा नहीं जाता है, इसलिए कोसेक थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट टू, और ये फाइनल इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड का स्टडी हम लोग करते हैं, कह रहा कि यदि कॉस थीटा इक्वल टू दिया कितना थ्री बाई
फाइव हो तो साइन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन टेन थीटा का मान कितना होगा। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसको भी फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें त्रिभुज का स्टडी किया जाता है। और इसका नाम हमने दे दिया, ठीक है, इसको और सही से बनाते हैं, और इसका नाम हम देते हैं ए, इसका नाम बी, और इसका नाम देते हैं सी। और ध्यान से देखिएगा, ए इसका क्या होगा, ए इसका आधार होगा, ए इसका क्या होगा लंब होगा, और ए इसका क्या होगा कड़ होगा। तो देखिए कॉस थीटा इक्वल टू दिया है, कितना दिया है 3/5, तो जो दिया है वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसे इसको ड्रा कर लेते हैं। देखिए यदि दिया है कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 दिया है, कॉस थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं, लाल बटे कक्का यहाँ पे अप्लाई कीजिए, तो साइन उसके बाद क्या आता है कॉस, आधार बटे कड़, तो ये हो जाएगा आधार। और आधार देखिए इसमें क्या है, आधार ए बी है, तो ये हो जाएगा ए बी बटे कड़, कड़ क्या है ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू, यदि 3/5 है इसलिए इम्प्लाइज डेट ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ए बी का मान 3, एंड ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ए सी का मान हो जाएगा आपके पास 5। ठीक, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि ए बी का मान यदि 3 है, ए सी का मान 5 है, तो बी सी का मान क्या होगा। बी सी का मान फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, या फिर सरल भाषा में इसको कहें तो कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ए सी का मान देखिए कितना क्वेश्चन में 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मान क्वेश्चन में है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। बी सी हमको फाइंड ही करना है, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। और देखिए जगह ना होने के कारण मिटा दे रहे हैं इसे, ठीक, यहाँ से इसको रफ कर देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हमको आंसर फाइंड करना है। तो देखिए कहाँ तक हम आए थे, यहाँ पे ऐसे पाई खासते हैं, ठीक, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, क्योंकि बी सी हमको फाइंड करना है। तो देखिए 25 में से यदि हम 9 घटाएंगे तो कितना होगा, इधर आएगा तो 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, अथवा स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 16, मतलब 16 का वर्गमूल हो जाएगा जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे। तो देखिए इसलिए BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि BC का मान हमने कितना फाइंड कर लिया 4। अब इस BC का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं, BC का मान हमने फाइंड कर लिया कितना 4। अच्छा अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा, तो इसको हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसे पाई काटते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं और यहाँ तक हमने पहुँचा है, हमको फाइंड क्या करना है, साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉट थीटा, या फिर डायरेक्ट देखिए ऐसे ही लिखते हैं ना, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कड़। तो यहाँ पर देखिए लंब का मान कितना है, लंब का मान 4 है और कड़ का मान 5 है, तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक। आगे क्या, कॉट थीटा प्लस करते हैं, तो देखिए साइन कॉस टेन उसके बाद क्या होता है कॉट, कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार का मान कितना है 3 और लंब का मान 4, तो ये हो जाएगा 3/4 अपान, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा कि टेन थीटा, टेन के लिए क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, यही होगा, तो लंब का मान क्या है 4 और आधार का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा 4/3। और इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिए 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20 होगा, तो ये हो जाएगा 20/5, और देखिए 5 चुक का 20 और 4 चुक का 16, ये हो जाएगा 16 प्लस देखिए 4 5 20 और 5 3 15, तो ये हो जाएगा 15/5, अब देखिए कितना हो जाएगा 4/3। तो अब यहाँ से क्या करते हैं कि 15 और 16 कितना होगा 31 होगा, तो ये हो जाएगा, अच्छा इसका सॉल्यूशन अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से रखिएगा, ये हो जाएगा 31/20, ये हो जाएगा 31/20 कुल के बट्टे हो जाएगा 4/3। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा, तो क्या करते हैं ये हो जाएगा इक्वल टू 31/3/4/20, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ से देखिए कुछ कटने वाला है,
कुछ कटने वाला नहीं है, मतलब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कीजिएगा और गुणा करके देखिएगा जो आंसर आ जाएगा यही इसका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक था, वीडियो कैसा लगा आपको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, तब तक नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स वेलकम इन पार्ट टू। पार्ट टू में देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि यदि कॉस ए इक्वल टू 1/2 हो तो सेक ए का मान क्या होगा। तो देखिए पार्ट वन में जो भी फार्मूला आपको बताया गया है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के वीडियो को देख लीजिए। यदि आपको फार्मूला आता है तो और अच्छी बात है, यदि आपको फार्मूला नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट वन देख लीजिए, ताकि अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल का स्टडी कर रहे हैं, आंकड़े का स्टडी कर रहे हैं, इसका फार्मूला ऑलरेडी पार्ट नंबर वन में बता दिया जा चुका है, इसलिए बार बार फार्मूला नहीं बताया जाएगा ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। उससे पहले ये जानिए कि जो फादर ऑफ त्रिकोणमिति हैं, ट्रिग्नोमेट्री हैं, और रैनी देकार्ते हैं, फिलासफर थे, तो उन्होंने त्रिकोणमिति की खोज की थी, उन्होंने सबसे पहले त्रिकोणमिति बनाए थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या है, कह रहा है कि यदि कॉस ए इक्वल टू 1/2 हो तो सेक ए का मान कितना होगा। तो देखिए उस फार्मूले पे आप मत लगाइएगा जो पार्ट वन में बताया गया था, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला और बता दिया जा रहा आपको कि देखिए यदि साइन अब ए यहाँ पे ए बी सी थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी वाट एवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम साइन ए भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा था ए एल लाल बटे कक्का, इससे हम लोग पढ़े थे क्या था, लम बटे कढ़ाया था, लेकिन वैसे नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/cosec थीटा, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक। सेकेंड क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sec थीटा, एंड थर्ड जो फार्मूला है टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cot थीटा, एंड फोर्थ फार्मूला इसका है कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा, फिफ्थ फार्मूला जो है sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा, एंड लास्ट जो फार्मूला है सिक्स कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sin थीटा। तो ये सिक्स फार्मूले है और इसी फार्मूले पे ए न्यूमेरिकल नंबर वन का स्टडी हम लोग करेंगे। तो सीधी भाषा में समझिए कि यहाँ पे कॉस कह रहा है और पूछ क्या रहा है, सेक पूछ रहा है, इन दोनों फार्मूला का यूज करना है। यदि दिया है कॉस थीटा इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस ए थीटा के जगह पे ए बी सी कुछ भी हो सकता है, आप लोग इसको समझिएगा, ठीक। यदि कॉस ए इक्वल टू 1/2 दिया है, पूछ क्या आ रहा है, पूछ रहा है सेक ए का मान कितना होगा। तो सेक ए का देखिए, यदि सेक थीटा हम लगाए हैं तो सेक ए का फार्मूला क्या है, 1/cos थीटा, ये हो जाएगा 1/cos थीटा के जगह पे ए है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो ये हो जाएगा सेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1/ अब देखिए कॉस ए का मान दिया 1/2, तो 1/1/2 ऐसे हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा यहाँ से सेक ए इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए कुछ करना नहीं है, इस 2 को हम लोग भेजेंगे यहाँ पे, ठीक। तो ए भी हो जाएगा 1/2 और ए फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि आप इसी फार्मूले से इसको लगा सकते हैं, चाहते तो पाइथागोरस प्रमेय से भी लगाते, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे एक क्या होगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स न्यूमेरिकल नंबर सेकंड का स्टडी करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड कह रहा कि यदि टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी हो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान बतलाइए। तो देखिए जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया है क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक, सॉल्यूशन करते हैं। और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि टेन थीटा इक्वल टू दिया है यदि ए बाई बी, तो देखिए टेन थीटा का फार्मूला आप लोग जानते हैं, साइन कॉस टेन होता है, लंब बटे आधार होगा, तो इसको लिखेंगे। और देखिए लंब को हम लोग हमेशा किससे लिखते हैं, बी सी से, और आधार को ए बी से, इक्वल टू यदि ए अपान बी है तो यहाँ से इम्प्लाइज डेट ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बी, एंड इम्प्लाइज डेट बी सी का मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
और ज़्यादा नहीं आपको क्लियर हो रहा है तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाना हमको, तभी तो मालूम चला है। इसको लिखते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो इसको देखिए हम लोग फाइंड क्या किए हैं कि टेन थीटा का फार्मूला लंब अपान आधार है। तो लंब को देखिए बी सी, तो यहाँ पर वही लिखा गया और आधार को ए बी, तो इसका मान हमने फाइंड कर लिया। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है बी और बी सी का मान हमने क्या फाइंड कर लिया ए। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम ए सी फाइंड करते हैं। तो ए सी कैसे फाइंड करेंगे, इसलिए लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि हो सकता है कि वो वैल्यू आ जाए। देखिए कॉस का लिए फार्मूला क्या होगा, आधार बटे कड़, तो आधार मालूम है, कड़ मालूम ही नहीं है, तो इसलिए कड़ हमको हर हालत में फाइंड करना पड़ेगा। तो इसलिए हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मान देखिए दिया कितना, ए बी का मान बी, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना दिया ए, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। इसलिए यहाँ से ए सी इक्वल टू यदि हम फाइंड करें तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखिएगा इसका वर्गमूल कीजिएगा तो ए सी का मान कितना आ जाएगा, ए सी का मान आ जाएगा आपके पास बी प्लस ए। ठीक, ए सी का मान भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, इसका मान आ गया बी प्लस ए। अब क्या करना है कि जो फार्मूला दिया, क्या दिया कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो सबसे पहले इसको यहाँ पर लिखते हैं क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और देखिए इसको सॉल्यूशन करने से पहले इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है, तब कुछ करना नहीं है। क्या करना है कि जो भी मान आया है पाइथागोरस प्रमेय से उसको पुट करते हैं इस फार्मूले में। तो इसलिए हो जाएगा, देखिए मान रखिए यहाँ पे कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़ होगा। अच्छा आधार क्या है इसमें, ए बी है और कड़ क्या है, बी प्लस ए, तो हो जाएगा बी अपान बी प्लस ए होगा। ठीक, उसका क्या है साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, लंब बटे कड़, लंब का मान ए और कड़ का मान बी प्लस ए, प्लस हो जाएगा ए अपान बी प्लस ए, कुल के बटे हो जाएगा। देखिए नीचे क्या है, कह रहा कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब सेम वैल्यू यही आएगी, तो यहाँ पर बस माइनस कर देना, इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा बी अपान बी प्लस ए माइनस ए अपान बी प्लस ए। ठीक, अब क्या करते हैं इसको कॉमन लेकर के सॉल्व करते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा, कुल के बटे कर देते हैं यहाँ पे। देखिए इनका एलसीएम क्या होगा, बी प्लस ए होगा, अथवा इसको ए प्लस बी भी हम लिख सकते हैं, तो चलिए बी प्लस ए ही लिख देते हैं अभी, बी प्लस ए, और ऊपर क्या हो जाएगा ए एक से कटेगा तो क्या हो जाएगा बी, तो हो जाएगा बी प्लस, और ए क्या होगा, क्योंकि यदि हम इसका एलसीएम लें बी प्लस ए का, तो इसका एलसीएम क्या होगा, बी प्लस ए ही होगा। तो यदि इसमें डिवाइड करेंगे तो बी आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो ए आएगा, या फिर नीचे वाले को करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए अपान बी प्लस ए। और इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा क्या होगा, तो देखिए बी प्लस ए से बी प्लस ए क्या हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी ए प्लस बी, और नीचे हो जाएगा क्या हो जाएगा बी माइनस ए, और यही फाइनली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक था, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, तब तक नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था कि त्रिकोणमिति का जो भी बेसिक फंडामेंटल होता है, जो बेसिक फार्मूला होता है, वो फार्मूला बताया गया था, और साथ साथ में उसके बेस पे दो तीन न्यूमेरिकल आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं त्रिकोणमिति स्वर संख्या। तो हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति की तीन स्वर संख्या होती है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आते अपने टॉपिक्स पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वो तीन स्वर संख्या कौन कौन है, चलिए सबसे पहले उसका स्टडी करते हैं। तो स्वर संख्या नंबर वन की बात करें तो वन जो स्वर संख्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। सेकेंड जो स्वर संख्या होती है वन प्लस
टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड जो थर्ड होती है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होती है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन सरसंख्या होती है, और देखिए ऐसा नहीं है कि तीन ही मानेंगे, अब इनके द्वारा और सारी सरसंख्या भी बन सकती है। जैसे एक्सचेंज करके हम बनाए, जैसे फर्स्ट वाले को भी बनाइए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन है, तो यदि हम ऐसे करें कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यदि फोर फार्मूला बनाए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए वन इसको इधर भेज दिए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही और बना सकते हैं फिफ्थ में, जैसे अब कोई जरूरी नहीं है इसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे हम एक्सचेंज करके फार्मूला बना सकते हैं, तो घबराइएगा मत। वैसे याद रखिए कि ये तीन जो हैं वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेकेंड है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन सरसंख्या होती है, इसको याद रखिएगा। और चलिए इसके बेस पे एक दो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे न्यूमेरिकल नंबर वन का स्टडी करते हैं। कह रहा है कि साइन थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा, कह रहा है साइन थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन है इस सरसंख्या के बेस पे, कह रहा है कि साइन थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले हमको फार्मूला याद होना चाहिए, और इसको हम तोड़ करके भी लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, दिया क्वेश्चन में साइन थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा, तो ऐसा कोई फार्मूला बनेगा नहीं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, इसको तोड़ करके किसी भी तरह से हमको सॉल्व करके आंसर लाना होता है। तो क्या करिए, हर का प्रमेयकरण कर दीजिए, इनटू हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, ऊपर भी हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्रमेयकरण किए और देखिए क्या आता है, इक्वल टू हो जाएगा ये। अब बताइए एक कोष्टक में जानते हैं कि a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, और a हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर हो जाएगा देखिएगा ए है साइन थीटा, साइन थीटा, और ब्रैकेट में हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग, देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या है, ऊपर है साइन थीटा, और ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा। तो देखिए एक स्क्वायर से साइन क्या हो जाएगा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है वन माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और ए क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि साइन थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। कुछ करना नहीं, यहाँ पे हर का प्रमेयकरण कर देंगे तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा वन माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और ए फाइनली इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपान टेन थीटा का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो देखिए यहाँ पे सरसंख्या में आइए, यहाँ पे आइए कि यहाँ पे हमने देखा है कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन करें तो हमारे पास क्या मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा अपान नीचे हो जाएगा टेन थीटा, जो है बस उसी को वैसे ही रहने देंगे। देखिए और इसका सिंपलीफाई किया जाए तो अंडर रूट का जब स्क्वायर है तो अंडर रूट हटाएंगे, इसका वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा अपान नीचे हो जाएगा टेन थीटा। और देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला है कि कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और कुल के बट्टे हो जाएगा टेन थीटा को लिखेंगे
साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से कुछ कट रहा है, कटेगा तो नहीं, तो ये यदि इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये ऊपर जाएगा इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा देखिएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो तो कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और फाइनली इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे हो रहा होगा कि कॉट थीटा को क्या लिखा गया है, तो देखिए एक ये फार्मूला होता है कॉट थीटा का, कॉट थीटा का जो संबंध होता है साइन और कॉस के पदों में वो होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसको याद रखिएगा। और सेम इसी तरह से टेन थीटा का जो मान होता है साइन और कॉस के पदों में वो होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये दो फार्मूला है और इन्हीं दोनों का मान इसमें रखा गया है और फाइनली हमें आंसर क्या मिला कॉट स्क्वायर थीटा। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, इसका सॉल्यूशंस हम लोगों को करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं और इसका सॉल्यूशंस करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा को हम ज्यो का त्यों ही रहने देते हैं, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हमने मान इसका रख दिया क्या सेक स्क्वायर थीटा। और ध्यान से देखिएगा और इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो टेन थीटा का आप लोग का अनुपात बताया गया है कि साइन और कॉस के पदों में क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कुल के बटे नीचे क्या है नीचे है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा डिस्कनेक्ट हो गया तो बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक था, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किस किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएम नॉलेज। तो फ्रेंड्स आज के इस सेक्शन में हम लोग कवर करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे एक हेडिंग है त्रिकोणमिति का कि त्रिकोणमिति अनुपातों के कोणों के मान, तो त्रिकोणमिति अनुपातों के कोणों के मान क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से निकाले जाते हैं, इस वीडियो में हम लोग टोटली स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक्स पे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन से जा करके आप उसको देख लीजिए, दो तीन वीडियो है इसके पहले का ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल बताया गया था, कुछ फार्मूला बताया गया था और उस फार्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल बताया गया था, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने फलन होते हैं, छह फलन होते हैं, कौन कौन होते हैं, फर्स्ट होता है साइन साइन, सेकंड होता है कॉस, थर्ड होता है टेन टेन, उसके बाद होता है कॉट, उसके बाद होता है सेक, एंड लास्ट होता है कॉसेक, ठीक। तो इनका मान देखिए, ये जब जो भी मान है तो यहाँ पे हम लोग थीटा का मान फाइंड करेंगे, और थीटा का मान किस में होगा जीरो अंश सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद 30 अंश फाइंड करेंगे, उसके बाद 45 अंश फाइंड करेंगे, उसके बाद 60 अंश फाइंड करेंगे, एंड लास्ट में 90 डिग्री का मान हम लोग फाइंड करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइन का ही फाइंड करेंगे, साइन का कॉस का टेन का कॉट का सेक का और कॉसेक का सबका बारी बारी से फाइंड करेंगे, जीरो अंश का मान कितना होगा 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का और 90 अंश का मान क्या होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक और ध्यान से देखिएगा, देखिए पहले क्या करते हैं कि जीरो अंश हमको फाइंड करना है, 90 तक फाइंड करना है, हालांकि इसके आगे भी होते हैं लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बस आपको 90 डिग्री तक ही निकालना मान बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जीरो को हम लोग जीरो ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं वन, उसके बाद लिखते हैं टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फोर, ठीक है। अब देखिए ऐसा इसलिए लिखा गया है ताकि देखिए साइन जीरो अंश का मान फाइंड करना है, तो इसके लिए एक ट्रिक है छोटा सा कि इसको अंडर रूट, अब देखिए जीरो अंश का फाइंड करना है तो ये हो जाएगा जीरो अपान फोर, ठीक है। अब देखिए फोर का जीरो में भाग देंगे कितना होगा जीरो, और जीरो का वर्गमूल कितना होता है जीरो, साइन जीरो अंश का मान कितना हो गया जीरो, साइन तीस अंश का मान फाइंड करना है, तीस अंश के ऊपर देखिए क्या है वन,
तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1/4, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 एंड 4 का कितना होता है 2, तो इसका मान हो जाएगा 1/2। साइन 45 अंश का मान फाइंड करना है, 45 अंश के ऊपर देखिए क्या 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2/4, और देखिए 2 × 4 ये 1/2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और 2 का वर्गमूल होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 1/√2। एंड देखिए साइन 60 अंश का मान फाइंड करना है, 60 अंश के ऊपर देखिए क्या 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4। अब बताइए 3 का वर्गमूल संभव नहीं है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई, और देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 हो जाएगा, तो साइन 60 अंश का मान कितना हो गया अंडर रूट 3/2। ऐसे देखिए 90 डिग्री का फाइंड करना है, 90 डिग्री के ऊपर क्या 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4/4, 4 × 4 एंड वर्गमूल क्या होता है 1 होता है। तो देखिए कितना इजीली तरीके से हमने फाइंड किया कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का मान हमने फाइंड किया 1। ऐसे ही फाइंड करना कॉस का, तो कॉस का फाइंड नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि साइन का जो भी मान आया है इसका अपोजिट कर देंगे, एक कॉस में निकल जाएगा। तो देखिए कॉस 0 अंश का मान क्या हो जाएगा 1, एंड कॉस 30 अंश का मान क्या हो जाएगा √3/2, 45 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/√2 एंड 60 अंश का क्या हो जाएगा 30 अंश, साइन 30 अंश के लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। एंड देखिए 90 डिग्री का फाइंड करना है, कॉस 90 डिग्री का मान फाइंड करना है, मतलब साइन 0 अंश का मान क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए ठीक है, दो फलनों का मान हमने फाइंड किया, किसका, साइन का और कॉस का, अब किसका फाइंड करना है टैन का, तो टैन का कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए साइन और कॉस थीटा के पदों में हम लोग जानते हैं टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा फार्मूला हमने पढ़ा है। तो कुछ करना नहीं है, टैन 0 अंश का मान फाइंड करना है, मतलब साइन 0 अंश अपॉन कॉस 0 अंश का मान रखेंगे और जो मान आएगा वो टैन 0 अंश का हो जाएगा। तो देखिए साइन 0 अंश अपॉन कॉस 0 अंश, मतलब 0 में 1 का भाग देंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो टैन 0 अंश का मान कितना हो गया 0। 30 अंश का फाइंड करना है, तो टैन 30 अंश इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 अंश अपॉन कॉस 30 अंश, मतलब देखिए 2 से 2 डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। एंड देखिए अब हमको क्या फाइंड करना है, टैन 45 डिग्री का मान फाइंड करना है, तो साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री, तो देखिए √2 से √2 डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 1 से 1 भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फाइनली बचेगा 1, 1 में 1 का भाग देंगे 1 और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, मतलब टैन 45 अंश का मान कितना आ गया 1। ऐसे देखिए टैन 60 अंश का मान फाइंड करना है, तो साइन 60 अंश अपॉन कॉस 60 अंश, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 मिस क्या होगा √3 हो जाएगा, ठीक है। एंड टैन 90 डिग्री का मान फाइंड करना है, तो साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री, अब देखिए 0 का भाग 1 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, अब हम इसे क्या कहते हैं इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक। कॉट का फाइंड करना है, तो कॉट का क्या करेंगे, टैन का डायरेक्ट अपोजिट कर देंगे, तो एक कॉट का निकल जाएगा, जैसे कॉट 0 अंश का मान फाइंड करना है, तो टैन 90 डिग्री का मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉस 30 अंश का मान फाइंड करना है, तो टैन 60 अंश का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। कॉट 45 अंश का, तो टैन 45 अंश, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड देखिए कॉट 60 अंश का मान फाइंड करना है, मतलब टैन 30 अंश का मान लिखेंगे और टैन 30 अंश का मान कितना है 1/√3। देखिए लास्ट में हमको फाइंड करना कॉट 90 डिग्री, तो टैन 0 अंश का मान लिखेंगे, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए फाइनली हमें कॉट तक फाइंड कर लिया, अब किसका फाइंड करना, सेक का, तो सेक का कैसे फाइंड करेंगे, तो जनरली हम लोग जानते हैं कि जो व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात का जो फार्मूला होता है, मतलब सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए एक फार्मूला बताया गया आपको पिछले वीडियो में कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos θ होता है, मतलब सेक 0 अंश का मान हमको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 1/cos0 अंश का मान रख दीजिए, तो देखिए सेक 0 अंश इक्वल टू 1/cos0 अंश, कॉस 0 अंश का मान क्या 1, तो 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, मतलब सेक 0 अंश का मान हमने फाइंड कर लिया 1, ठीक। लास्ट में फाइंड करते हैं क्या, सेक 30 अंश का मान फाइंड करना है, तो 1/cos30 अंश, तो देखिए कॉस 30 अंश का मान √3/2 है, तो 1/√3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा
टू अपान अंडर रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, सेक 45 डिग्री का मान फाइंड करना है, मतलब 1 अपान cos 45 डिग्री, तो 1 अपान cos 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो ये हो जाएगा 1/√2, मतलब ये हो जाएगा √2। एंड देखिए सेक हमको फाइंड करना 60 डिग्री का मान, तो 1/cos 60 डिग्री, तो 1/√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड फाइनली हमें क्या फाइंड करना है कि सेक 90 डिग्री का मान फाइंड करना है, मतलब 1/cos 90 डिग्री का मान, cos 90 डिग्री का मान देखिए क्या है, 0, तो 1 में जब 0 को भाग देंगे ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में हमें फाइंड क्या करना है, कॉसेक का, तो देखिए कॉसेक का फाइंड करने के लिए सिंपल सा रूल होता है कि मतलब जो सेक का हमने वैल्यू फाइंड किया है इसका ठीक अपोजिट कर देंगे तो कॉसेक का मिल जाएगा। जैसे कॉसेक 0 अंश का मान फाइंड करना है तो ये हो जाएगा सेक 90 डिग्री और इसका मान क्या है, इनफाइनाइट है। ऐसे देखिए कॉसेक 30 अंश का मान फाइंड करना है, मतलब ये हो जाएगा सेक 60 अंश का मान, देखिए क्या 2, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड कॉसेक 45 डिग्री का मान फाइंड करना है तो ये हो जाएगा सेक 45 डिग्री, तो इसका मान क्या है, √2। एंड देखिए कॉसेक 60 डिग्री का मान फाइंड करना है तो सेक 30 डिग्री का मान देखिए कितना, 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। एंड फाइनली हमें क्या फाइंड करना है, कॉसेक 90 डिग्री का मान फाइंड करना है तो ये हो जाएगा सेक 0 अंश और सेक 0 अंश का मान क्या है, 1, तो ये हो जाएगा 1। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजीली तरीके से हमने 0 से लेकर के 90 डिग्री तक जो भी त्रिकोणमिति में 6 फलन हैं, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, उसका मान हमने फाइंड किया, ठीक है। तो आपको आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कि जो भी ट्रिक बताया गया किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया गया है। चलिए एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर देते हैं कि स्टार्टिंग में आपको बताया गया था, क्या बताया गया कि त्रिकोणमिति अनुपातों के कोणों के मान निकालना कैसे निकालेंगे, अभी कितना तक बताया जा रहा है, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक आपको बताया गया है, हालांकि उसके भी आगे होते हैं लेकिन इसके बाद वाली वीडियो में आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे त्रिकोणमिति में कितने फलन हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक। तो देखिए साइन 0 अंश का मान हमको फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको ट्रिक बताया गया है कि पहले क्या करेंगे, जो भी थीटा का मान है 0, 30, 45, 60, 90, इसके ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखेंगे, ठीक। और 0 अंश का मान फाइंड करना है तो देखिए 0 अंश के ऊपर क्या है, 0 है, तो हो जाएगा √0/4, 0 का वर्गमूल 0, 4 का वर्गमूल 2, जब 0 में 2 का भाग देंगे क्या हो जाएगा, 0, तो साइन 0 अंश का मान क्या आ गया, 0। ऐसे देखिए 30 अंश का फाइंड करना है, 30 अंश के ऊपर क्या है, 1, तो ये हो जाएगा 1/√4, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, 1 का 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, 1/√1/2, ठीक, इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2, ये हो गया 1/2। 45 डिग्री का मान फाइंड करना है, 45 के ऊपर देखिए क्या 2 है, तो जगह 2/4, 2 × 4, और इसका हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 एंड 2 का वर्गमूल होगा नहीं, तो √2 में आ जाएगा। 60 अंश का ऐसे फाइंड करना है तो 60 का अंश के ऊपर देखिए क्या 3, तो 3 का वर्गमूल होगा नहीं, ये हो जाएगा √3, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, √3/2। एंड 90 डिग्री का मान फाइंड करना है तो 90 डिग्री के ऊपर देखिए क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, √4/4, 4 × 1 = 4, एंड 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, तो 90 डिग्री का मान क्या आ गया, 1। तो जैसे हमने 0 से लेकर के 90 डिग्री साइन का निकाला, ऐसे कॉस का क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन का अपोजिट हो जाएगा। टेन का निकालना है तो टेन का फार्मूला लोग जानते हैं, साइन और कॉस के पदों में क्या होता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, मतलब यदि टेन 0 अंश का मान फाइंड करना है तो साइन 0 अंश अपॉन कॉस 0 अंश डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 अंश आ जाएगा। ऐसे ही सबका निकालेंगे, जैसे हमने टेन का फाइंड कर लिया फिर किसका फाइंड करना, कॉट का, तो टेन का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो कॉट का निकल जाएगा, ठीक। सेक का फाइंड करना है तो सेक का फार्मूला हम जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, मतलब यदि सेक 0 अंश का मान फाइंड करना है तो 1/cos 0 अंश का मान रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। जैसे सेक का मान निकला तो वैसे क्या करेंगे, सेक का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो कॉसेक का निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक था, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, तब तक नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल के साथ में आप लोग से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने इस चीज़ का स्टडी किया था कि त्रिकोणमिति में जो सारणी होते हैं, अनुपातों कोणों के मान होते हैं, जैसे साइन 0 आंस से लेकर 90 आंस, ऐसी कॉस के लिए, ये सब का हमने स्टडी किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि कल जो भी फार्मूला बताया गया है उसके बेस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उसका स्टडी आज हम लोग करने वाले हैं। तो यदि आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा, पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के उस फार्मूले का स्टडी कर लीजिए कि फार्मूला कैसे निकाला गया था, तब आइएगा यहाँ पे न्यूमेरिकल लगाइएगा। क्योंकि यदि आपको फार्मूला नहीं मालूम रहेगा तो शायद न्यूमेरिकल लगाने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आते अपने टॉपिक्स पे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, न्यूमेरिकल नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, और न्यूमेरिकल नंबर 1 में पूछ रहा है कि टेन 60 अंश अपान साइन 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश का मान क्या होगा। और देखिए, इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले इन सबका मान याद होना चाहिए। तो ये मान जस्ट पिछली वाली वीडियो में आप लोग को बताया गया है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशंस करते हैं, और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेन 60 अंश। तो टेन 60 अंश का मान क्या होता है, ठीक है? तो टेन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3 अपान, और देखिए साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, एंड कॉस 60 अंश का भी मान होता है 1/2, प्लस हो जाएगा 1/2। और इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ए हो जाएगा अंडर रूट थ्री और कुल के बटे हो जाएगा। अब देखिए, दो और दो का एलसीएम क्या होगा, दो ही होगा। तो देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1+1, मतलब ए हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या आ रहा कि √3/1 आ रहा है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि √3, और ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है? तो बहुत इजीली तरीके से हमने लगाया है। देखिए, आज ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे मान रखने में होगी, तो जस्ट पिछली वाली वीडियो आप जाकर के देख लीजिए, ताकि मान कैसे निकालना आप लोग को बताया गया था, ताकि दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर आप न्यूमेरिकल लगाइएगा, ठीक। न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड का स्टडी करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड कह रहा है कि टेन स्क्वायर 30 अंश प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश प्लस टेन स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होगा। और इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो बहुत सोच समझ कर पूछा जा रहा है। देखिए, टेन स्क्वायर 30 अंश, तो टेन 30 अंश का मान क्या होता है, टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3। अब देखिए, स्क्वायर है, ये पूरे के क्या हो जाएगा, अब फुल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, ए हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, एंड टेन 60 अंश का मान होता है √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसका स्क्वायर कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, √9, और हमें आ जाएगा तो हो जाएगा 1/, अब देखिए √9 मतलब कितना होगा, 3 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये 9 होगा, और 9 क्या हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/3, प्लस इसको लिखेंगे 1/1, प्लस इसको लिखेंगे 3/1। अब देखिएगा ध्यान से, तो इन सब का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। तो इसको एलसीएम लेकर और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए 3 1 3, तो ये हो जाएगा 1, प्लस अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3, और नीचे क्या होगा, एलसीएम 3 होगा। तो और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 3 3 6 1 7, ये हो जाएगा 7/3, और ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक। तो देखिए, दो न्यूमेरिकल का हमने स्टडी किया कि पलक जो न्यूमेरिकल था वो 10 60 अंश अपान साइन 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश पे था, एंड सेकंड न्यूमेरिकल जो था वो था कि 10 स्क्वायर 30 अंश प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश प्लस 10 स्क्वायर 60 अंश। तो दोनों न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हमने किया है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल का स्टडी करते हैं। सो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल नंबर 3 का स्टडी करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में पूछ रहा है कि 3 साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 अंश माइनस 5 कॉस स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा। और देखिए इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, तो कुछ करना नहीं है, बस इसमें क्या करना है, फार्मूला जो भी फार्मूला है उसको पुट करना है। तो देखिए, आप 3 है तो ये हो जाएगा 3 × अब साइन स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 का आप होल स्क्वायर, प्लस 2 × अब 10 60 अंश का मान रखना है, तो 10 60 अंश का मान होता है √3, और ये आप होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 × कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2 का आप होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/√2 या 4 हो जाएगा,
प्लस, अब देखिए ए कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे बाई नहीं होगा, इनटू है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 तो है ही है, और ए 3 जो कितना होगा 9, और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6/1 लिख देंगे, माइनस 5 × 2 तो हो जाएगा 5/5, अब देखिए 2 × 4 ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। और इन सब का एलसीएम लीजिए तो क्या होगा, तो 4, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, तो हो जाएगा 4/y, अब देखिए 4 × 1 = 4 तो हो जाएगा 3 प्लस, अब देखिए 4 × 1 = 4 और 4 × 6 कितना होगा 24 तो हो जाएगा 24 माइनस 2 × 4 और 5 × 2 = 10 तो हो जाएगा 10। और इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए 24 और 3 कितना होगा, 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27 माइनस 10/4, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा 27 में से 10 घटाएंगे कितना होगा 17, तो हो जाएगा 17/4, और ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक था, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किस किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।